देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर कालाढूंगी से है। उत्तराखंड राज्य में होने वाले आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसके चलते कालाढूंगी विधानसभा से लगातार दो बार विधायक रहते हुए बंशीधर भगत ने तीसरी बार अपनी दावेदारी पेश करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे तन मन से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए मैदान में उतर चुका है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी अभी तक मैदान में नहीं देखने को मिली है, और साथ ही उन्होंने बताया कि कालाढूंगी विधानसभा से पार्टी जिस व्यक्ति को भी प्रत्याशी घोषित करती है तो प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे तन मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर जाने वाले कभी भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, और साथ ही बताया कि आने वाले समय में किसी भी विधायक का फेरबदल होना नामुमकिन है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 60 पूरा होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कालाढूंगी से, ब्यूरो मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। का हर बूथ पर मजबूती के साथ कार्यकर्ता खड़ा है, प्रदेश से लेकर देश से लेकर बूथ तक एक बिल्कुल बड़ी कड़ी जन मिली हुई है, जुड़ी हुई है, सभी पूरे मनोयोग से लगे पड़े हैं। इस समय कोई कितनी बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। सर, किसका फेर बदल हुआ? भाजपा का कौन विधायक कहीं गया? आने जाने वाले लोग